हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता क्या है। मैक्सिमम रेनफॉल होने की संभावना जो कि फिजिकली पॉसिबल हो लैंड पे, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। मैक्सिमम प्रॉबिलिटी ऑफ रेनफॉल, जैसे कि ये वन डे की साइकिल है। जैसे कि ये 12 AM, 3 AM, 6 AM, 9 AM, 12 PM, 3 PM, 6 PM, 9 PM। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 12 AM पे, 6 AM पे, 12 PM पे, 6 PM पे नो रेनफॉल। 3 AM पे 5 mm पर आवर्स की इंटेंसिटी है, 9 AM पे 3 cm पर आवर की इंटेंसिटी है, 3 PM पे 1 cm पर आवर की इंटेंसिटी है, 9 PM पे 7 cm पर आवर की इंटेंसिटी है। तो हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सपोज दैट ये डे वन है। ये डे वन है। अब डे वन पे हम देख पा रहे हैं कि 9 PM पे 7 cm पर आवर की इंटेंसिटी हमें मिल रही है, जो कि 9 PM पे। अब डे टू का हम साइकिल देख रहे हैं। डे टू पे भी हम सिमिलर साइकिल पाते हैं। सपोज दैट ये वैल्यू चेंज हो सकती है, बट मैक्सिमम वैल्यू यही मिलती है हमें। वैसे ही डे थर्ड हम देखते हैं। डे थर्ड में भी हमको ये वैल्यू चेंज मिलती है, बट ये वैल्यू सिमिलर मिलती है, जो कि ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की 9 PM पे, और मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होने की संभावना है। मैक्सिमम रेनफॉल होने की संभावना 9 PM पे है, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मतलब 9 PM पे डेली हमें बारिश मिल रही है, जो कि हम कुछ फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला गिवेन है। प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक है स्टैटिकल मेथड, एक है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मेथड। तो पहला, अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल मेथड, तो प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है इजिकल टू पी बार प्लस के इंटू सिग्मा, जिसमें से पी बार जो है मीन प्रेसिपिटेशन है, जो कि हम मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने की टेक्निक आपको बता चुके हैं पहले ही, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और के फ्रिक्वेंसी फैक्टर है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे फ्रीक्वेंसी होती क्या है। जैसे कि कोई इंटेंसिटी है 20 mm पर आवर की, जो कि हमें 50 ईयर्स में मिलती है। तो ये साइकिल हर 50 ईयर पे हमें 20 mm आवर्स की इंटेंसिटी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 mm पर आवर की इंटेंसिटी इंटेंसिटी हर 50 ईयर पे मिल रही है, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी 50 ईयर है, यानी कि हर 50 ईयर बाद वो फ्रिक्वेंटली एक साइकिल मूव कर जा रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी फैक्टर क्या होता है? फ्रिक्वेंसी फैक्टर जो होता है, इसी फ्रिक्वेंसी को हम एक फैक्टर टर्म में डिनोट कर देते हैं, जो कि एक एम्पिरिकली हमें मिलता है। जो कि हमें क्वेश्चन में गिवेन होता है, उसको हम लोग उस फॉर्मूले में पुट करते हैं और प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन फाइंड आउट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल मेथड। इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस। जो कि PM इजिकल टू 42.16 डी के पावर 0.475। जिसमें PM जो है सेंटीमीटर में है और डी हावर्स में है। डी इजिकल टू ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इन हावर्स। और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन की डिफिनेशन लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल दैट इज फिजिकली पॉसिबल ओवर अ बेसिन।
एक बार आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, पॉज कर लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा। ओके, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।